सैया को ले गए बहुत सुंदर बजावे ला हो जुग जुग जी हो तोरा के थनेदार कहियो न पकड़ी है एक हो आशीर्वाद बा हमर हमरो उमर लागी लइका के सुनो रे आज सैया को ले गए थनेदार भगवान के भक्त बानी काड़ी चरण सहनी जी जिनका 850, 10, 20 ना पूरे 101 रुपया के आशीर्वाद बा एक बार ना बारंबार बा ऐसे पहले इनका द्वारा जे हमरा आशीर्वाद मिलल हो उनका आभारी बानी और दिल से धन्यवाद कहतनी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद रहुआ के देता नी जय हो मास्टर ए काम क्रोधे मंदे लोभ ईसा बांधी ते जी तलवा क्रोधे मति लोभ ओईसा बांधी ते जी तलवार नाम के दौर में एक बार काली चरण सहनी जी दरबार में बार बार कई बार फिर से एक बार काली चरण सहनी जी भगवान राम के परम भक्त हैं।
आइए इनके ओर से फिर से 101 रुपया का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद साधुबाद। और कहा मास्टर प्रेम मुखिया संग सिपाही साची बने चकुदा प्रेम मुखिया संग सिपाही साची बने चकुदा बैठते भाई बांधो परिवार हो देखिएगा अगर आपके आपके मालिक ही ना रहे जिस पत्नी का पति बिछड़ जाता है चला जाता है ना छोड़ के उसे हीत मीत भाई बंधु उठत बैठत लोग सासू ननदिया कोई मुख से बोलने को तैयारी नहीं किया भागन है इतने लोग बैरी हो जाते हैं उठ के है ना कहा हीत मीत उठते बैठते भाई बांधो परिवार और कहा सासू ननदिया मुख से न बोले सासू ननदिया मुख से न बोले कौन जमानत नका के दौर में आप हैं हरिचंदर राम जी जिनकी ओर से पूरे 501 रुपया का पुरस्कार आया है। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद और भगवान सदा इनके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। जय जय
राखी कबीर सुनते फे को मारी रोईला को कफा कहथिन कबीरा उतारी फेको गहना रोईला को कफा साहब कबीर लिखे हैं कि जो देखने वाला ही ना रहे तो सिंगार किस काम का देखते होइएगा जिस पत्नी का पति छोड़ के चला जाए उस पत्नी को भी देखिएगा उतना ही सिंगार करती है जितना हम और आप करते हैं उस सिंगार का क्या मतलब वो सिंगार किस काम का जो देखने वाला ही ना रहा पत्नी रोज सुबह उठ के सजती है सवरती है क्यों कि मेरा पति देखे और देख के ही खुश हो जाए है ना अपने पति को नजर झुराने के लिए एक पत्नी खूब सजती है सवरती है और जो पति ही ना रहे तो पत्नी को सजने सवरने से कोई फायदा है कोई फायदा है नहीं है कोई फायदा नहीं है मगर फिर भी देखते हुएगा उस स्त्री को सारे सिंगार करती है सिंगार को बेइज्जत करती है क्योंकि मेरे सैया तो काला पानी हो गए और सैया को काला पानी होने के बाद उस सिंगार का मतलब नहीं बनता साहब कबीर ने लिखे सैया तो हो गए काला पानी सैया तो हो गए काला पानी के कड़ा पड़ करूं सिंगार मीठी ताली बजा करके इस वजन को गाएंगे बड़ा ही प्रेरणा आती है कहा कि सैया को ले गए दुलरुआ को ले गए अब पुतलुआ को ले गए सुनो रे सखी